आप देख रहे हैं सच न्यूज। आज की सुर्खी स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। सारे फंक्शंस के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं गरीब नवाज केटरिंग सर्विसेज। एड्रेस नवाब साहब कुंटा इरफान होटल फर्स्ट फ्लोर हैदराबाद। हैदराबाद काचीगुड़े में वाक़े कृष्णा नगर बस्ती में 5 दरिंदों ने तरकारी फरोश मजबूर व बेकस व गरीब 45 साल महबूब बी को अपनी जिंसी हवस का शिकार बनाया। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा बेबस व बेकस गरीब 45 साल खातून महबूब बी ने अपने दर्द भरे वाक़े का मीडिया से जिक्र करते हुए बताया कि 4 अगस्त बरोज़ जुम्मा तरकारी फरोख्त करते हुए कृष्णा नगर बस्ती में गश्त कर रही थी। इस दौरान बस्ती में मौजूद 4-5 दरिंदों ने महबूब बी के मुताबिक उनके नाम कृष्णा यादगिरी और 2 नामालूम दरिंदों ने तरकारी फरोश मजलूम महबूब बी को तलब करते हुए तरकारी लेने के बहाने 5 दरिंदों ने अपनी जिंसी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान गरीब महबूब बी दरिंदगी के इस अमल के दौरान बेहोश हो गई। जब होश आया अपने आप को घर के बाहर पाया। बस्ती में मौजूद अफराद ने बादजां बेबस व मजबूर मुतासर खातून को नीम बेहोशी की हालत में दवाखाना मुंतकिल किया। जब मीडिया के नुमाइंदों को इस बात की खबर हुई तो मुतालिका पुलिस पीएस काचीगुड़ा हरकत में आते हुए मुकदमा दर्ज किया, जबकि पुलिस वाक़े को लेकर लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी, ताहम इसकी तस्दीक ना हो सकी। अब देखना यह है कि पुलिस का शिकंजा कब तक मुलजमीन तक पहुंचेगा, क्योंकि मुल्क के हालात अखिलियतियों के तनाजुर में अखिलियतों को लेकर बेचैनी पाई जाती है, और अगर वाक़े की तह तक ना पहुंचे और मुलजमीन को अदालत के कटघरे में ना लाए तो हुकूमत पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत यकसां अवाम में मकबूल है। तो नाजरीन सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सच न्यूज़ ब्यूरो शरफुद्दीन की ये रिपोर्ट।